आप सभी को सादर प्रणाम आज इस सभागार में गांधी जी के एक सौ पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर व्याख्यान माला जो आयोजित की गई है उसके मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी गांधी इंस्टीट्यूट के निदेशक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित गांधी इंस्टीट्यूट के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं संस्थान के कुलसचिव प्रोफेसर आर के उपाध्याय जी हम प्रोफेसर द्विवेदी जी का आप सब की तरफ से संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं तथा मंचस्थ विद्वानों को मैं डॉक्टर देवराज सिंह प्रोफेसर देवराज सिंह जी से भी अनुरोध करूँगा एक डॉक्टर रामजी सिंह जी कुर्सी की व्यवस्था वहाँ करा में आप भी मंचस्थ हों और मंचस्थ विद्वानों से अनुरोध है कि गांधी जी के चित्र पर को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दें तथा दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का विधिवत उद्घाटन करें व्याख्यान माला के प्रथम दिवस मुख्य वक्ता प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी तथा अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर आर के उपाध्याय जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी विदित हैं कि पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक जो उनका जयंती वर्ष है उसमें पूरे देश में एक विशिष्ट आयोजन हो रहा है और केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उस महान पुरुष के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहा है क्यों एक बड़ा प्रश्न है एक ऐसे समय में जब पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका के समक्ष उपस्थित है ऐसे में हम गांधी की प्रासंगिकता को तलाश रहे हैं एक ऐसा हाड़ मांस का बना व्यक्ति जिसने सत्य और अहिंसा के हथियार से बड़ी बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों को यहाँ से भगाया एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य से सामान्य स्तर पर रहते हुए पूरे विश्व के सामने एक ऐसा आदर्श उपस्थित किया कि आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक को यह कहना पड़ा था कि आने वाली नस्लें विश्वास नहीं कर पाएंगी कि हाड़ मांस का कोई ऐसा भी व्यक्ति था विश्व के जितनी महान विभूतियाँ थीं सबने गांधी के सामने नतमस्तक होते हुए उन्हें अपनी आदर्श की उच्चावस्था को स्थापित किया एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद दक्षिण अफ्रीका जाता है और जीवन के जो सूत्र थे उनको अपने व्यवहार में अपने जीवन में उतारते हुए किस तरह से वहाँ से भारत लौटना और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करना एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके लिए लिखा गया चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर जिधर दो राज पग गांधी के चले करोड़ों पग उसी के पीछे पीछे चलने लगे वह जो जादुई शक्ति थी गांधी की वो क्या थी गांधी का समग्र योगदान क्या रहा है 1909 में गांधी ने एक अद्भुत पुस्तक लिखी जिसे हम सब बहुत से लोग परिचित भी होंगे उस पुस्तक से हिंद स्वराज्य उस हिंद स्वराज्य को अगर आप देखें पढ़ें तो गांधी के सपनों का भारत कैसा था आजादी के बाद भारत के किस तरह के सपने महात्मा गांधी ने देखा था एक ऐसा भारत जहां सभी समान होंगे एक ऐसा भारत जहां जिसके सबके हाथ में काम होगा एक ऐसा भारत जहां ग्राम समाज से हम राम राज्य की स्थापना की ओर बढ़ेंगे लेकिन कहीं न कहीं भूल हुई कहीं न कहीं हम आज कहां भटक करके चले गए हैं तब मुझे गांधी फिर याद आते हैं हम सभी को गांधी फिर याद आते हैं गांधी के इन्हीं योगदान पर एक विशिष्ट व्याख्यान यहाँ आयोजित किया गया है प्रोफेसर आर पी द्विवेदी जी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित गांधी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं बहुत अध्ययन आपका है एक विशाल अध्ययन आपका है गांधी तथा तत्सम तथ सं, संबंधित उस समय की समस्त घटनाओं को केवल आपने पढ़ा नहीं है बल्कि आत्मसात किया है यह हम सभी के लिए एक बड़ा सुखद अवसर है सुखद क्षण है जब हम प्रोफेसर द्विवेदी जी को अपने बीच में पाए हैं और अपने बीच में हम उनके व्याख्यान को सुनेंगे बिना किसी अवरोध के बिना किसी गतिरोध के मैं सीधे प्रोफेसर द्विवेदी जी जो आज के इस व्याख्यान माला के मुख्य वक्ता हैं उनसे सादर अनुरोध कर रहा हूं कि आज आप स्वतंत्र हैं सर आप जितना भी समय चाहें तो ले सकते हैं लेकिन जितना भी है कि एक सीमा होती है हमारे विद्यार्थियों की एक सीमा होती है मैं प्रोफेसर देवराज जी से अनुरोध करूंगा इसके पूर्व कि आप एक संक्षिप्त स्वागत करें प्रोफेसर द्विवेदी जी का इसके बाद व्याख्यान मंच पर उपस्थित आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे संस्थान के कुल सचिव डॉक्टर आर के उपाध्याय जी इस सभागार में उपस्थित समस्त आचार्य वृंद गैर शैक्षिक हमारे सहयोगी मित्रगण प्रिय छात्र एवं छात्राओं भारत सरकार की तरफ से आयोजित या ये कह लें कि भारत सरकार ने एक तरह से महात्मा गांधी के 150वें सौ गांठ वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है और उसमें हमारा संस्थान भी सहभागिता अपना कर रहा है उसी कार्यक्रम की कड़ी में हम लोगों ने इस व्याख्यान माला का आयोजन किया है जैसा आप सभी जानते हैं कि देश आजाद हुआ दो समानांतर विचारधाराएं चली एक नेहरू की और एक गांधी की गांधी की विचारधारा अलग थी नेहरू की विचारधारा अलग थी यद्यप दोनों का लक्ष्य एक था मार्ग दोनों के अलग अलग थे जहां गांधी चाहते थे कि मानव विकास हो वहीं नेहरू चाहते थे कि मानव के जीवन के रहन सहन के स्तर का विकास हो गांधी का जो रास्ता था वो कठिन था लक्ष्य आसान था नेहरू का रास्ता आसान था लेकिन लक्ष्य कठिन था गांधी गांव से शुरू होते थे और शहर की तरफ आते हैं जबकि नेहरू शहर से शुरू होकर के गांव की ओर जाते हैं एक के लिए सत्य अहिंसा का मार्ग और दूसरे के लिए मौद्रिक आय ये दोनों के मूलभूत दोनों के रास्तों में अंतर रहा है हम आसान रास्ते पर चल पड़े कठिन राह को हमने छोड़ दिया अर्थात हम नेहरू के रास्ते पर चल पड़े गांधी के रास्ते को छोड़ दिया क्योंकि उनकी राह कठिन थी हमारे लिए आज हम लक्ष्य से काफ़ी दूर हो गए हमने कठिन राह अगर चुनी होती तो लक्ष्य आसान था हम उसको प्राप्त कर लेते लेकिन हमने आसान राह चुनी और लक्ष्य हमसे दूर होता चला गया आज जो पूरे विश्व में तौर से भारत में जिस भटकाव में हम हैं जिसे हम पाना चाहते हैं और जितना नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं उतना ही लक्ष्य हमसे दूर होता चला जा रहा है ये सारी विकृतियाँ क्यों हैं ये शायद उसी लिए हैं आज वो मंथन जब हम कर रहे हैं जो मंथन पूरे विश्व में चल रहा है तो गांधी की उपादेयता गांधी के विचार गांधी के आदर्श गांधी के दर्शन आज बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं सत्य अहिंसा उनका क्या था कौन सा मार्ग सत्य की ओर लेकर के चलता है अहिंसा की जब बात गांधी करते हैं तो किस तरह की अहिंसा की बात करते हैं इसी पर ये जो आज का व्याख्यान माला हमने आयोजित किया हुआ है जिसके हमारे जिसके लिए हमने प्रोफेसर द्विवेदी को बड़े आदर के साथ आमंत्रित किया हुआ है आज का व्याख्यान प्रोफेसर द्विवेदी का इसी पर होगा और मैं इस सभागार में मैं जानता हूं कि प्रोफेसर द्विवेदी बहुत ही व्यस्त हैं मैंने इनसे बात किया था और इनकी व्यस्तता इतनी अधिक है कि अभी यहाँ से जाएंगे तो कहीं और इनको जाना है और किसी दिन ये खाली नहीं है फिर भी हम लोगों के रिक्वेस्ट पर हमारे अनुरोध पर आपने समय दिया इसके लिए हम आभारी हैं और आपका अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं हमारे कुल जी मैं जानता हूँ कि कितने व्यस्त हैं फिर भी हमारे इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी और समय निकाल करके हमारे बीच में है मैं आपका आभारी हूँ आपका स्वागत करता हूँ आपका अभिनंदन करता हूँ इस सभागार में जितने हमारे मित्र हैं हमारे छात्र छात्राएं आप सभी लोग उपस्थित हैं आप ध्यान से सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे और मैं आप सभी लोगों का इस सभागार में स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ इसी के साथ मैं एक और अनुरोध करता हूँ कि हमारे माननीय कुलसचिव जी खतक प्रदान कर डॉक्टर आर पी देवी प्रोफेसर आर पी द्विवेदी का स्वागत करें और आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें इसी के साथ धन्यवाद और मैं अब मंच ये हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर और अब इस क्रम में मैं बहुत ही आदर के साथ आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आरपी द्विवेदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें प्रोफेसर आरपी द्विवेदी जी आप सभी को नमस्कार हम सबके बीच में सूक्ष्म रूप में विद्यमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पितृपक्ष में आयोजन पितरों को याद करने का दिन बहुत सही समय चुना तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज ने मेरा सौभाग्य है मैं इस संस्थान से तब से जुड़ा हूं क्योंकि तो कई बार मुझे मैं भारतीय दर्शन का विद्यार्थी तो नहीं रहा हूं लेकिन इस संस्थान के पूर्व निदेशक और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रोफेसर समदंग इन के साथ कई बार हमने भारतीय दर्शन के विभिन्न विषयों पर चर्चा की है उनके साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है उनकी संस्था में आज मुझे आने का मौका मिला मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ के जो डायरेक्टर हैं जो सचिव हैं जो आचार्यगण हैं डॉक्टर देवराज जी जी आदरणीय डॉक्टर रामसुधार भाई उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं आपने मुझे आपके बीच में लाकर खड़ा किया अपनी दो बात कहने के लिए राष्ट्रपिता के बारे में मित्रों गांधी जब तक जीवित रहे अमेरिकन गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर हिंदुस्तान नहीं आ सके नष्ट भेदी नीत के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला करके संयुक्त राज अमरीका को समान नागरिक भाव पैदा करने का काम करने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर गांधी के एसेसनेशन के छह वर्ष बाद हिंदुस्तान पधारे और हिंदुस्तान आने के बाद में जब वो पालमपुर एयरपोर्ट पर उतरे तो हिंदुस्तान के तमाम सारे छायाकार पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और पूछा मार्टिन लूथर किंग जूनियर हाउ यू फील इन कंट्री इंडिया क्या रिस्पॉन्स था मार्टिन जूनियर का उन्होंने कहा अदर कंट्री आई यूज टू विजिट एज ए टूरिस्ट बट हियर आई एम एज ए पिलग्रिम सिंस इट इज द लैंड ऑफ महात्मा गांधी अन्य देशों की यात्राएं तो मैं पर्यटक की तरह करता रहा हूं लेकिन भारत में यात्री के रूप में आया हूं क्यों गंगा जमुना होने से तीर्थ नहीं गांधी यहां पैदा हुए इसलिए तीर्थ है दुनिया के लिए मानवता के लिए काम करने वालों के लिए मैं इसलिए यहां आया और जब वो आते हैं कहा बिरला हाउस में जहां गांधी की हत्या हुई होती है पत्रकारों को एक बार पुनः मौका मिला और कहा सर आपने इतना ऊंचा भाव गांधी के प्रति प्रकट किया दुनिया में तमाम सारे विचारक हैं पश्चिम में बहुत सारे विचारक हैं गांधी के प्रति इतना ऊंचा भाव आपका कैसे है कोट इट उन्होंने कहा मार्टिन उंग जूनियर ने द मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल आई फेल टू गेन दूटिलिटर थ्योरी ऑफ बेड बिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हाफ लाक एंड रूसो सोशल रियोसरी फिलोसफी ऑफ मार्क्स एंड लेन एंड सुपरमैन फिलोसफी ऑफ दिसेउंड इन द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस प्रोपोगेटेड बाई महात्मा गांधी कहते क्या है वो उपयोगतावाद के बड़े विचारक और मिल जो बड़े चिंतक हुए उस जमाने में विश्व के पाठ्यक्रम का हिस्सा लाभ हो चुके थे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाए जा रहे थे उसको पढ़ा मैंने मुझे आत्मिक और बौद्धिक संतुष्टि नहीं मिल पाई मैंने राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत को हाफ़ लाख रूसो रूसों को पढ़ा मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली मैंने सामाजिक क्रांति के पुरोधा मार्क्स और लेनिन को पढ़ा मुझे वो संतुष्टि नहीं मिल पाई और अतिमानों का सिद्धांत देने वाले नीति से भी मुझे वो संतुष्टि नहीं मिली जो महात्मा गांधी के अहिंसा दर्शन से मिली है इसीलिए मैं कहता हूं गांधी तीर्थ अपने आप में ये देश है और उसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मित्रों इस देश की आध्यात्मिक विरासत को जानने की जरूरत है सिकंदर महान हिंदुस्तान फतह करने के अभियान पर जब यूनान से निकला तो अपने गुरु के पास गया कहा गुरुदेव दुनिया के तमाम देश जीतने के बाद मैं हिंदुस्तान की तरफ मुखातिब हो रहा हूं अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश करके हिंदुस्तान फतह करना चाहता हूं मुझे आशीर्वचन दें और मुझे बताएं आपके लिए कौन सा उपहार वहां से ले आऊं जानते हैं सिकंदर महान के गुरु ने क्या कहा सिकंदर अलेक्जेंडर अगर हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हो तो वहां से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं है हाथी घोड़े लाने की जरूरत नहीं है गुलाम बनाकर लाने की जरूरत नहीं है अगर हो सके दो तो आचार्यों को ले आना हिंदुस्तान से क्यों दे नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड दे नो द मिस्ट्री ऑफ नेचर दे नो द मिस्ट्री ऑफ मैन वो हिंदुस्तान के लोग जो आचार्य हैं ईश्वर के रहस्य को जानते हैं प्रकृति के रहस्य को जानते हैं और मनुष्य के रहस्य को जानते हैं अगर गिफ्ट करना है तो वो करना हिंदुस्तान से वी बिलोंग टू द सच ग्रेट लैंड दैट इज इंडिया ये गांधी को पता है ये गांधी को पता है और गांधी उसके प्रति है साइंस विज्ञान की दृष्टि देखें आइजनबर्ग द कंटेम्परे फिजिसिस्ट टू द आइंस्टीन रामसुधार भाई एक बड़ा अच्छा पत्र लिखा आइजनबर्ग ने आइंस्टीन को बेस्ट हैज डेवलप ए शिप हैविंग ऑल कंफर्ट इन इट बट वन थिंग इज मिसिंग दैट इज कंपास आइजनबर्ग कहता आइंस्टीन से चिट्ठी लिखता है पश्चिम ने एक बड़ा भारी जलपोत पोध विकसित किया है सारी आधुनिक सुविधाएं हैं मैटलिस्टिक एज की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सब कुछ हैं बस एक चीज नहीं है दिशा सूचक यंत्र एंड कंपास इज इन देंड ऑफ टू लीडर्स ऑफ इंडिया महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आइजनबर्ग हुईज द स्ट्रेंथ ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हम उस देश के प्रतिनिधि क्या गांधी का वैशिष्ट है अहिंसा का सत्य का हम जिस बैठे हैं पवित्र स्थल पर बोध धर्मचक्र प्रवर्तन स्थल सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने फोर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कही चार सत्य सत्य का अनुसंधान करके जीवन शैली के साथ निर्वाण प्राप्त करने की कला हिंदुस्तान नहीं दुनिया के तमाम सारे लोगों को सिखाई और उसी सत्य के अनुसंधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपना जीवन लगा दिया और कहा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ सत्य के मेरे प्रयोग अपनी जीवनी लिखी तो गांधी के लिए सत्य क्या महत्वपूर्ण है यह जानने का विषय है सत्य है क्या क्योंकि तो हमारा सत्य हिंदुओं का सत्य इस्लाम धर्म के अनुवाइयों का सत्य ईसाइत का सत्य भाई धर्म का सत्य और तमाम सारे यहूदियों का सत्य क्या अलग अलग होगा गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कहा आत्मानुभूति ही सत्य है आत्मा स्वीकार करती है गांधी ने कहा सर्वोच्च नैतिक नियम ही सत्य है सर्वोच्च नैतिक नियम समाज जो एक लॉ स्टैब्लिश कर देता है सोशल लॉज जीवन को चलाने के लिए आदर्श के लिए वो जो सर्वोच्चता उसकी है वही ईश्वर का स्वरूप है वही सत्य है का अहिंसा क्या है का अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन है तो अहिंसा के प्रकार कितने होंगे अहिंसा को अलग अलग हम जानते हैं जो लोग भारतीय दर्शन पढ़ते होंगे पातंजल योग सूत्र में यम और नियम में कितना अच्छा वर्णन किया है अहिंसा सत्य अस्त वहां भी अहिंसा है बौद्ध धर्म में भी अहिंसा और कर है जैन धर्म में अहिंसा और परिग्रह के बिना चल नहीं सकते और गांधी ने वो सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा भारतीय में वे दर्शन में जो तमाम सारे मनुष्यों के अनुसंधान थे उसको निकाला बीज मंत्र के रूप में और उसी का गांधी कोई नई बात नहीं कहते हैं उस अहिंसा की साधना महात्मा बुद्ध ने की उस अहिंसा की साधना जैन गुरुओं ने की जैन धर्म के लोगों ने की उस अहिंसा की साधना पातंजल सूत्र में लोगों ने किया और गांधी उसी अहिंसा को फर्क कितना है जो अहिंसा ईश्वर के प्राप्ति के लिए महात्माओं का विषय था उस अहिंसा को आम जनता को प्रयोग करने की कला सिखाई यह गांधी का वैशिष्ट है आम जीवन में हम अहिंसा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं एक बड़ा अद्भुत है गांधी के ऊपर चर्चा देश में होती रहती है विदेश में होती रहती है देश में तमाम सारे विचार भी हैं गांधी के प्रति आदर का भाव रखने वाले और गांधी के प्रति असम्मान दिखाने वालों की भी कमी अब नहीं है कुछ ज्यादा ही प्रदर्शन होते हैं लेकिन गांधी की जानने की कोशिश करने की आवश्यकता है और जानने के क्रम में हम दो बात जानना चाहते हैं गांधी का जब सत्य हिंसा की बात करते हैं तो हिंसा के फार्ब क्या होंगे भारतीय दर्शन में नौ दर्शन है छह आस्तिक दर्शन है तीन नास्तिक दर्शन है आस्तिक दर्शन में जैन और बुद्ध और चारवा को हम मानते हैं सिर्फ बुद्ध और जैन को वेदों को न मानने के कारण हम उस कैटेगरी में ले जाते हैं लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने का ईश्वर को रियलाइज करने का अनुभव अनुभव करने का जो रास्ता और मार्ग है बिना अपरिग्रह के नहीं मिल सकता बिना इंद्रिय निग्रह के नहीं मिल सकता और गांधी का वैशिष्ट इसी में है गांधी भी जब स्वराज की बात करते हैं हिंदू स्वराज की बात करते हैं ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो उनका अहिंसा मूल में है और कहते हैं इसी अहिंसा के माध्यम से उसकी प्राप्ति हम कर सकते हैं और इसीलिए इंद्र निग्रह का बड़ा काम गांधी ने जब कहा स्वराज तो अपना ही राज्य नहीं है स्व का संदर्भ आत्मा से है आत्मा का राज्य और आत्मा अगर है तो प्रेम दया करुणा सेवा सत्कार त्याग जैसे जो मूल विषय हैं और उसके मूल में है मित्रों इंद्रिय निग्रह की जब बात करते हैं तो काम क्रोध मदलोभ तमाम सारे विषयों पर नियंत्रण यही अहिंसा के विरुद्ध है हिंसा के स्वरूप क्या है काम क्रोध मदलोभ ये हिंसा के विषय है और इसके विपरीत आत्मा के विषय प्रेम करुणा और त्याग है गांधी कहते हैं उनका समन करना और जो ये हमारे आत्मा के विषय हैं इसका विस्तार करना यही अहिंसा है इसकी साधना करने की जरूरत है अहिंसा में ताकत क्या है अहिंसा प्यार का पर्याय है अहिंसा करुणा का पर्याय है अहिंसा त्याग और सेवा का पर्याय है साहित्यकार तीन बैठे हुए हैं और अगर हम चर्चा साहित्य से नहीं लेंगे तो मुझे लगता अन्याय होगा राम सुधार भाई यशपाल की बहुत कम ही उपन्यास है लेकिन एक उपन्यास का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जिसने इशारा किया है सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया करुणा और प्यार कैसे उत्पन्न हुआ उस अशोक में जिसने इसने क्रूरतम व्यवहार किया हो और कलिंग में लाखों लोगों की हत्या का उत्तरदायित्व उनके ऊपर हो उनकी एक छोटी सी उप, पुस्तिका है उपन्यास है अमिता मैं उसका संदर्भ लेना चाहूंगा अमिता ने क्या किया कई बार युद्ध हार जाने के बाद में कलिंग नरेश ने अशोक को माफ किया और अगली बार बड़ी सेना लेकर के कई लाख सेना लेकर के वो कलिंग में प्रवेश किया कलिंग नरेश बूढ़े हो गए वृद्ध हैं और वृद्धावस्था में छोटी कन्या उनको पैदा हुई है अमिता उसकी अवस्था छह वर्ष की है कलिंग को बचाने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं वहां मारे जाते हैं सेना मारी जाती है काट दी जाती है राजपुरोहित को पता चलता है कि राजा नहीं रहे छह वर्ष की अमता का उन्होंने साम्राज्य बना दिया छोटा सा और अपने बेटों और नातियों को भेजा युद्ध के मैदान में और कुछ सैनिक लेकर के राजमहल की रक्षा में लगे और सबको सबको मारे गए सब लोग सब मारते हुए सम्राट अशोक किले में दाखिल हो गया और जब किले में दाखिल होता है तो जो परकोटा है उसका अंतिम दरवाजा उसके किनारे खड़ा है अंदर प्रवेश करने के लिए सिंहासन पर बैठने के लिए उसको एक तोली आवाज में कुछ आवाज सुनाई पड़ती है क्या अमिता का एक छोटा सा कुत्ता बिभ्रू सोने की जंजीर उसके हाथ में है वो छूट गया है कुत्ता दौड़ रहा है पर कोटे पर वो पकड़ने का प्रयास कर रही है अचानक देखती है आग लगी हुई है लोग रो रहे हैं चित्कार कर रहे हैं मर रहे हैं जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और देखती कहती का आचार्य काका ये लोग रो क्यों रहे हैं ये आग क्यों लगी हुई है ये खून दिखाई क्यों पड़ रहा है आचार काका ने कहा साम्राजी दुष्ट अशोक इस सिंहासन पर बैठने के लिए आपकी प्रजा को मार रहा है काट रहा है सता रहा है और परकोटे के दरवाजे से आवाज से सुन रहा है अशोक इस वार्तालाप को कहती है काका अगर यह सत्ता प्राप्त करने के लिए सिंहासन पर बैठने के लिए अगर वह मेरी प्रजा को मार रहा है लोगों को काट रहा है आचार्य काका इसे दे दीजिए आप तो मेरे काका हैं दूसरा बनवा देंगे और यह सुनते ही सम्राट अशोक दरवाजा धक्का देकर अंदर घुसता है और अमिता की जंजीर अपने गले में डालता है और कहता है कलिंग को जीत करके अशोक आज हार गया है महारानी मैं नतमस्तक हूं मैं आपका बंदी हूं जो दंड देना चाहे क्यों छह वर्ष की अमिता में अहिंसा का वह बोध लोगों की हत्या करके राज्य मुझे नहीं चाहिए झूठ बोल करके मुझे राज्य नहीं चाहिए राज्य ले जाइए हम सत्य पर आधारित हैं हम प्यार करुणा पर आधारित राज्य हैं ये संदेश छह वर्ष की एक लड़की देती है और ज्ञान होता है अशोक अशोक पिघल जाता है और महात्मा बुद्ध की शरण में आ जाता है ये बड़ा देश है गांधी शक्ति को जानते हैं यह अहिंसा दर्शन हमें इसको करने की जरूरत है और अहिंसा गांधी ने क्या कहा अहिंसा ही धर्म है मनुष्य का तो धर्म की व्याख्या भी जरूरी है थोड़ा उस पर प्रकाश डालूंगा छोटे छोटे कथानक के साथ धर्म क्या है गांधी के दृष्टि में जो धर्म है वह अहिंसा है धर्म का पर्याय अहिंसा हमारा व्यवहार अहिंसक होगा अपने आप में धर्म होगा तो गांधी ने उसका भी उल्लेख किया धर्म क्या है गांधी ने कई बार गांधी से कई बार लोगों ने पूछा आप धर्म बताते क्यों नहीं एक बार पत्रकारों ने पूछा गांधी जी से आपका धर्म क्या है गांधी ने कहा निस्संदेह मेरा धर्म हिंदू धर्म है पूछा आपका धर्म आपको कैसा लगता है गांधी ने कहा मेरा धर्म बहुत अच्छा है पत्रकारों ने तो हम जानना चाहते थे। आपका धर्म अगर बहुत अच्छा है, तो दूसरे धर्म थोड़ा कम अच्छा यही नहीं कहना चाहते हैं आप गांधी ने कहा मुझे बेवकूफ मत बनाओ मुझे फंसाओ मत ये वैसे ही है जैसे कोई छोटे से बालक से पूछे तुम्हारी मां कैसी है तो कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी है लेकिन जब वो कहता मेरी माँ बहुत अच्छी है तो दूसरे की माँ के प्रति उसके मन में दुराग्रह नहीं होता है उसकी माँ भी उसके बेटे की दृष्टि में उतनी अच्छी है जेरी जो मेरी माँ है यही मेरी धर्म की दृष्टि है यही मेरी धर्म की दृष्टि है यही सर्वधर्म संभाव की दृष्टि है गांधी इसको देश में लाना चाहते थे तो एक धर्म है धर्म के बारे में आख्या किया व्याख्या दिया गांधी जी ने और फिर लोगों ने एक बार पूछा गांधी जी आप डिटेल में धर्म का बताइए धर्म से मिलेगा क्या गांधी ने कहा महाभारत में पांडव द्वारा युद्ध जीत लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर राजसु यज्ञ करिए और राजु यज्ञ करने के बाद में जो छोटे मोटे रियासतें आपकी अधीनता स्वीकार कर लेंगे एक पराक्रमी सेंट्रल के राजा केंद्र के प्रधानमंत्री हो जाएंगे आप और तो सारे राज्य आपको फॉलो करेंगे तो यज्ञ की व्यवस्था की गई उस जमाने के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर धर्माचार्य धौम ऋषि को चुना गया यज्ञ में आहूत डालने के लिए बड़े स्कॉलर थे धर्म के बड़े विद्वान थे धर्म विज्ञान के उनको बुलाया गया कि आप यज्ञ कराइए और सुन कौन रहा है यज्ञ कर कौन रहा है स्वतः साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर और मौजूद कौन है भगवान कृष्ण स्वतः वहां बैठे हुए हैं अचानक एक न्यौला प्रकट होता है नौले का आधा शरीर सोने का आधा शरीर भूरे रंग का और आकर के यज्ञ वेदिकाओं पर लौटने लगता है और लौटने के बाद खड़ा होता है और कहता है यहां तो धर्म है ही नहीं अब स्वाभाविक सी बात हो अगर कोई आए और इतने बड़े विचारकों के बीच में बैठकर चैलेंज कर दे यहां कोई आचार ही नहीं है तो दुख तो हो ही जाएगा और लोगों ने कहा प्राणियों में सबसे छोटा प्राणी और चुनौती इतनी बड़ी कह रहे हो धर्म नहीं है भगवान स्वतः बैठे हुए हैं धर्मराज राज दुष्टिर यज्ञ कर रहे हैं और धौम जैसा विद्वान करा रहा है धर्म कैसा होगा उसने कहा सुनना चाहते धर्म क्या है तो बता रहा हूं मैं जिस राज्य से आ रहा हूं उस राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया अकाल पड़ गया है लोग मर रहे हैं और मैं भी भाग करके वहां से निकला तो देखा एक व्यक्ति नरकंकाल जो कई दिनों से भूखा है उसको अन्न नहीं मिला है एक गृहस्थ आश्रम के दरवाजे पर खड़े होकर नाक कर रहा है विच्छाम विच्छामदेही मुझे भिक्षा दीजिए मैं मर जाऊंगा मेरे पेट में कुछ है नहीं कई दिनों से भूखा हूं और गृह के परिवार में चार लोग हैं पत पत्नी बेटा और बहू और एक किलो सत्य उनके पास मात्र है और अपने हिस्से का गृह स्वामी देता है एक पाव उसके हाथ में डालता है चुदा शांत नहीं होती है पत्नी अपने हिस्सा का देती है फिर भी चुदा शांत नहीं होती है बेटे बहू ने भी अपने हिस्से का दे दिया तब चुदा शांत हुई उसने कहा जब मैं वो स्वामी उसके हाथ में सत्तू डाल रहे थे तो जो कण नीचे गिरे थे मैं उधर से गया वो कण लिपट गए सोने के हो गए धर्म वो था व्यक्ति को जीवन को बचाने के लिए किसी गरीब और मजलूम की सहायता करने के लिए अपने जीवन को भी खतरे में डालकर उसकी सहायता करना ये धर्म है गांधी उस धर्म की चर्चा करते हैं गांधी उसे धर्म मानते हैं अगर ये धर्म दुनिया मान ले क्या संघर्ष है धर्म में हम दूसरे के लिए काम करें दूसरे की प्रेम दया करुणा के लिए काम करें यही धर्म है गांधी के दृष्टि में अहिंसा ही धर्म है और धर्म अहिंसा है जिसका प्रमाण दिया उन्होंने आज के जमाने में गांधी का जो वैशिष्ट है इस इस धर्म को इस अहिंसा और सत्य को गांधी ने इसका प्रयोग उन्नीस से इक्कीस के बीच में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला बड़े अच्छे रिसर्च स्कॉलर थे गांधी जी अपने अभिनव अपने अनुभव से अपने प्रयोगों से उन्होंने 18 से 21 के बीच में सात सामाजिक पापों को चिन्हित किया कितने सात और कहा यही अधर्म है यही हिंसा है और इसी से मुक्त अहिंसा है वो है पाप कौन से गांधी ने पहला कहा नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज वन काइंड ऑफ sin चरित्र रहित ज्ञान बहुत बड़ा पाप है गांधी ने कहा यही हिंसा है अगर चरित्र अगर ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति अगर चरित्र खो दे तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है मित्रों आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक आज हिंदुस्तान में सबसे इंटेलेक्चुअल वर्ग कौन है लाखों लोग आई की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और फ्यू गॉट सेलेक्टेड बड़े ज्ञानी हैं। अपने विषय तभी तो आई एस क्वालिफाई किया उन्होंने लेकिन ऐसे आईएएस के अगर बिस्तर से करोड़ों रुपए घूस के बरामद हो इज इट नॉट नॉलेज विदाउट करेक्टर मैं आपसे पूछता हूं इज इट नॉट नॉलेज विदाउट करेक्टर गांधी ने कहा है, सबसे बड़ा पाप है यही हिंसा है दूसरा जो नहीं बन पाए आईएस वो साइंस के फील्ड में गए इंजीनियर बनने के लिए हर गार्जियन का ड्रीम उसका बेटा आई आई हो जाए उपाध्याय जी बी एच हो जाए कहीं और हो जाए और हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड में वी आर टिप्स जो पास आउट इंजीनियर निकले सरैया जैसे भांगड़ा का नंगल डैम बना दिया कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग ब्रिटिश जमाने में भारतीय इंजीनियर ने बनाई कचहरी बगल में है आज भी जो पुल बना दिए आज भी स्ट्रेंथफुल है और आज वी हैव डेवलप्ड द इलेवन एनआईटीज इलेवन आई आई टीज नंबर ऑफ एन आई टीज एंड यू कैन नॉट काउंट द मशरूम इंजीनियरिंग कॉलेजेस और आपके आई आई टी के बच्चों ने कॉमनवेल्थ गेम में फुटब्रिज बनाया विद इन सिक्स डेज गिर गया कर गया इज इट नॉट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर आई एम आस्किंग यू वट गांधी सेट रॉन्ग वट गांधी सेट रॉन्ग एंड नंबर थर्ड एवरी गार्जियन वॉन्ट्स टू सी हिस्स डॉक्टर आर सन एज ए डॉक्टर लड़का उनका अगर एमबीबीएस हो जाए तो मरते समय तक नाड़ी पकड़ के हजारों कमा लेगा ये सोच करके तैयारी कराता है कहाँ कहाँ पढ़ाता है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा सर्वधर्म परित्यज माम एकम शरणम ब्रजा सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ तो रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता हूं श्री कृष्ण ने कहा करने के लिए कहा लेकिन डॉक्टर के पास अपने पेशेंट को लेकर जब जाता अटेंडेंट कहता डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा पूरी तरह सरेंडर करता है डॉक्टर क्या कहता है द क्लिनिकल सिम्टम ऑफ द बॉडी इंडिकेट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया इवन देन डॉक्टर प्रेस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट फॉर वट पर्पज जस्ट टू गेट द कमीशन फ्रॉम द पैथोलॉजिस्ट इट इज नॉट नॉलेज विदाउट करेक्टर आई एम आस्किंग यू दीज आर द्री कैटेगरी इंटेलेक्चुअल ऑफ द नेशन लाइक द इंडिया दे आर नॉलेजेबुल करेक्टर इज गेटिंग डाउन एंड डाउन दिस इज अर्स ऑफ द नेशन गांधी वार्ड इट ये हिंसा है यह हिंसा है और उसके ठीक अपोजिट वही हिंसा है कि हम सेवा की भावना से लेकर खड़े हो तो हिंसा को हम अहिंसा के साथ देख सकते हैं सेकेंड गांधी ने कहा साइंस विदाउट ह्यूमिनिटीज ऑफ सो वन काइंड ऑफ सिन मानवता रही तो विज्ञान भी क्या है बहुत बड़ा पाप है एडिशन वू एनमिटेड बल्ब लाइट, आई कैन एक्सेप्ट गॉड सन उन्हें भगवान सूर्य के दर्जा दे सकते हैं हम हम उनको आदर करते हैं बट राइफल्स, एटम बम, हाइड्रोजन बम दे शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द साइंटिस्ट इफ यू आर द साइंटिस्ट डू रिसर्च फाइंड आउट द चीपेस्ट मेडिसिन फॉर द कैंसर अदर डिजीजेस दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंटिस्ट इंटायर वर्ल्ड साइंटिस्ट फोकसिंग हाउ वी कैन क्रिएट डिजार्ट एनिमिनेशन हम कैसे दुनिया को मारने के लिए जड़ चेतन को समाप्त करने के लिए कितने घातक हथियार बना सकते हैं श्रेष्ठ वैज्ञानिक है कादिर खान पाकिस्तान का तो हिंदुस्तान के भी लोग विदेश के भी लोग एक प्रगति का जो होड़ है वैज्ञानिक ये हमें खतरे की तरफ ले जा रहा है गांधी ने कहा यह हिंसा है यह हिंसा है. पॉइंट थर्ड कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी नैतिकता रहित व्यापार यू गो आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉस द वॉल्स यू विल फाइंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक आइटम्स अगर आप बिजली का सामान खरीदे तो आई एस आई गुणवत्ता देख करके मानक देखकर कर खरीदे क्योंकि ये आई एस आई जो मानक है तो भारत सरकार के प्रमाणन बोर्ड ने दिया है उच्च क्वालिटी के हैं ये हेवल्स का लीजिए फिलिप्स का लीजिए क्राउंटन ग्रीप्स का लीजिए लोकल मत लीजिए क्योंकि सुरक्षा की गारंटी नहीं है लोकल में ये बड़े हैं इफ यू क्लेम इफ यू चार्ज द मच मोर अबाउंट यूजिंग द आई एस आई लोगो द लोकल वायर्स इन दैट इज इट नॉट कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी आई एम टेलिंग यू हाउ मेनी पीपुल टेक द पेप्सियन कोको कोला आई डोंट नो That this institution people prefer to take it or not. But I would like to tell you the cost of Pepsi is only 1 rupees 10 paisa. And how much you pay? 20 rupees of 500 ml. Okay? At least the Pepsi Coca Cola is not Sanjeevani, not the Chavan Pras. It is hazardous to the health. Even then,

आमिर खान का एक विज्ञापन सुना है आपने जो चाहो सो हो जाए को, को, को एंजॉय सातवें मंजिल से कूदता है और खड़ा रहता है एकदम से अगर इतनी ताकत है तो सारे हीरो को पेप्सी पीने वाले को पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजो भाई ये सब कुछ करके आएंगे और आने वाले दिनों में विज्ञापन और भी देखेंगे जिस तरह से अटैक कल्चर पर हो रहा है हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ तब उठाएंगे जब पेप्सी का एक पैक लगाएंगे <laughs> मां दुर्गा जी नवरात्रि आ रहा है कुंभ और निशुम राक्षस को तब मानेंगी जब कोको -को कोला पी लेंगी दिस काइंड ऑफ कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी वन काइंड ऑफ सीन इट इज वन काइंड ऑफ वायलेंस वन काइंड ऑफ वायलेंस यू आर सेलिंग द थिंग्स विच टू द हेल्थ इवन देन द सच काइंड ऑफ कल्चर वी आर प्रोपोगेटिंग इन द इंटायर नेशन इज इट नॉट नॉलेज विदाउट कैरेक्टर ज इट नॉट कमर्स विदाउट बैरी नाउ नेक्स्ट आई कम टू दैट पॉइंट वर्शिप विदाउट विदाउट सेक्रीफाइस त्याग रहित कोई पूजा का अर्थ नहीं है इस्लाम धर्म में प्रॉफेट पैगंबर ने अपने धर्म के अनुवायों को उपदेश दिया सच्चा मुसलमान वह है जो रात को सोने के पहले सुनिश्चित कर ले कि तो उसके पड़ोसी और उसके बच्चों ने भोजन कर लिया भूखे तो नहीं सो रहे अगर देश के मुसलमान देश के हिंदू देश के विभिन्न धर्म के लोग ऐसा देखते तो हिंदुस्तान में कोई भूखा मरता क्या माल न्यूट्रिशन से मैं आपसे बात कर रहा हूं हम धर्म के आंतरिक स्वरूप को नहीं मान रहे हैं बाहरी स्वरूप पर मेरा ध्यान ज्यादा है आंतरिक स्वरूप है मजलूम की सेवा करना सहायता करना वो धर्म नहीं है हम उससे नहीं जा रहे हैं वाह के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं मंदिर बन जाए मस्जिद बन जाए यू डेवलप द टेम्पुल बट यू सर्च ए सुटेबुल पुजारी एंड यू डिड नॉट फाइंड ए सिंगल पर्सन टू एक्ट एज ए पुजारी देन बिल्डिंग इज मीनिंगलेस मंदिर भव्य हो जाए मानक का पुजारी ना मिले कड़बड़ काम हो जाएगा इसलिए गांधी ने बार बार कहा संस्था बनाने की बजाय इंस्टीट्यूशन बिल्डअप आई एम थैंकफुल टू देवराज जी

वही मनुष्य लाने वाला है गांधी के दृष्टि में मनुष्य श्रेष्ठ है संस्थाएं श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ मनुष्य अगर होगा तो श्रेष्ठ संस्थाएं बन जाएंगी एक बड़ा काम था तो वर्ष विदाउट में क्या है हम मंदिर अपने बगल में बड़े पैसे वाले आजकल राम सुधार सिंह जी मैं देखता हूं कई बार जितने बड़े माफिया हैं उनके घर में दुर्गा जी का मंदिर जरूर है वो चार की हत्या कर चुके हैं और इस बार दर्शन कर लेंगे एक दो को और मार देंगे दुख का विषय है ये माँ दुर्गा के मंदिर में आप दीपक जलाए और पड़ोसी मर जाए पड़ोसी का बच्चा फीस जमा न कर पाए और स्पॉन्सरशिप विदेश से खो जाए हम ये दुख का विषय है ये हमारे सोचने का विषय बड़ी गंभीरता के साथ हमें उस पर फोकस करना होगा वर्शिप विदाउट त्याग्रहित पूजा का कोई अर्थ नहीं है सेक्रीफाइस कुछ करो देश के लिए राष्ट्र के लिए मनुष्यों के लिए बुजुर्गों के लिए गरीबों के लिए तब सच्ची पूजा ईश्वर की है और एक बड़ी अच्छी बात मदर टेरेशा मदर टेरेशा ने एक बड़ा आदर्श वाक्य कहा दैट इज वेरी अपीलिंग उन्होंने कहा इफ यू कैन नॉट लव दोस्त टू हूम यू कैन सी हाउ कैन लव यू दोस्त टू हूम यू कैन नॉट सी जिसे तुम देख सकते हो जब तुम उसे प्यार नहीं करते हो तो जिसे देख नहीं प्यार कर रहे देख पा रहे हो उसे क्या प्यार करते हो झूठ बोलते हो ईश्वर की बनाई जो कृति है मनुष्य सृष्ट इसकी सेवा करना सीखो इसके बारे में सोचो वो ईश्वर के पुत्र वो भी हैं उनके बारे में सोचो कुछ करो तब परिवर्तन होगा और अंतिम के पहले दो और भी बड़े महत्वपूर्ण है प्लेजर विदाउट कॉन्सियसनेस अंत चेतना रहित भोग आज भोग की प्रकृति बहुत बढ़ गई है बार बार हमारा दर्शन कहता है इंद्रियों से मुक्त होकर आप असंग्रह की वृत्ति की तरफ चले परिग्रह की तरफ चले एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल नंदन नील जिन्होंने आधार बनाया है आधार के विशेषज्ञ हैं नंदन नील अपनी पत्नी और मां के साथ काशी में आए और काशी में आने के बाद वो चले गए विश्वनाथ मंदिर की तरफ तो हमारी बहनों की माताओं की आदत होती है साड़ी दिखाई पड़े तो खरीद लेना है भगवान बाद में दर्शन होगा पहले काम निपटा लिया जाए तो वो विश्वनाथ मंदिर में गई होंगी उनकी पत्नी भी और उनकी मां भी लौटी तो दक्षिण के लोग जब कहीं जाते हैं इस तरह की यात्रा में तो एक शपथ लेके जाते हैं कि हम कहीं जाएंगे एक बुराई छोड़ के आएंगे तो अब चिंता थी कौन सी बुराई छोड़े तो नंदन नीलकर्णी की मां ने अपने बहू से कहा बेटा तुम एक यही व्रत ले लो कि अब साड़ी तुम नहीं खरीदोगी बहुत साड़ी खरीदती हो तुम जहां जाती हो मैं कोई बहुनों का आदर नहीं कर रहा हूं ऐसा ना हो कि मेरे कहने से आप कल के लिए बेटी और बहु पत्नी के लिए साड़ी खरीदना बंद कर दीजिए है ना मेरा ये भाव नहीं है मेरे कहने का है कि आवश्यकता से अधिक और आप ताजुब करेंगे पिछले 32 वर्षों में उनकी पत्नी ने एक भी साड़ी नहीं खरीदी और फिर भी जीवन बेहतर चल रहा है ये है देश का सोच अगर आवश्यकता से अधिक मुझे नहीं चाहिए तो देश में इतना बड़ा कंपटीशन अरे भाई आस्क पीपुल रावण का राज कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा बुलेट ट्रेन उसके पास रही होगी मिसाइल पहले से था राफेल विमान भी रहा होगा सड़कें बहुत अच्छी रही होंगी बट वी डोंट एक्सेप्ट हिस आइडेंटिटी एज ए आइडियल पर्सन फॉर द नेशन जो भारत के मूल्य हैं अहिंसा और सत्य जिसे तलाशा और निकाला महात्मा बुद्ध ने जैन धर्म के लोगों ने महात्मा गांधी ने जिसपे साधना की वो उसके बिना पर हमने डेवलपमेंट नहीं चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ द नेशन सोशल वैल्यूज ऑफ द नेशन वी डोंट वांट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट चिंता का विषय है हमें उसकी प्रायोरिटी देनी होगी गांधी यही चाहते थे मनुष्य आपको पता होगा हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश आगे पता है कौन सा देश यह yeah. आपने बताया बहुत संसाधन नहीं है बहुत इंडस्ट्रीज नहीं है हम छोटे में भी प्रसन्न रह सकते हैं थोड़े संसाधनों संसाधन प्रसन्न रह सकते हैं हमें डेवलपमेंट का पता है आपको सरकार के डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है हाउ मच लीकर एक शहर कितना अधिक शराब की खपत करता है उससे अब डेवलपमेंट का इंडिकेटर रखा जाएगा कितने बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं वो इंडिकेटर नहीं है ये बड़ा विषय है तो गांधी ने कहा ये जो प्लेजर विदाउट कॉन्सियसनेस अंत चेतना रहित भोग भोग की प्रकृति पर कभी देखा है आदमी जब पहले पी लेता थोड़ा पीता है तो शेर की तरह बरबराता है पहले वो हाथी की तरह होता है मस्त चलता है और बढ़ा लेता है तो फिर गुराने लगता है शेर की तरह और ज्यादा पी लेता है तो पिगरी में कन्वर्ट हो जाता है जितना ही आप भोग करेंगे उतना ही ऊपर से आप नीचे की तरफ आपकी चेतना विलुप्त होती चली जाएगी इसलिए गांधी ने कहा अंत चेतना रहित भोग हमें उतने ही जीवन के लिए आवश्यक है हमारी चेतना बनी रहे हमारी जो अंत चेतना समाप्त हो जाए प्राय न हो जाए संवेदना समाप्त हो जाए एक बड़ी बात गांधी ने कही हमारा जो सिक्स है गांधी का सामाजिक पाप जो अहिंसा की तरफ हिंसा की तरफ इशारा करता है गांधी कहते हैं पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स सिद्धांत रहित राजनीति मैं दो घटनाओं का उल्लेख करूंगा इस संदर्भ में मुझे निर्देश देंगे कब मुझे बंद करना है क्योंकि तो बोलने का चलता रहता है मैं तो घड़ी एक घंटे बोलता हूं शिक्षक ने एक नाते अगर उसके पहले अपेक्षा होगी तो आई विल स्टॉप इट है ना? क्या कहा उन्होंने बदाव। बदाव। आपको पता होगा गांधी ने अहिंसा दर्शन के आधार पर देश को आजाद करने की बात सोची और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में चौरी चौरा का एक कांड हुआ जहां उत्साही राष्ट्रप्रेमियों ने स्वतंत्रता प्रेमियों ने थाने को जला दिया अबोध बच्चे मर गए महिलाएं मर गई और कुछ अन्य लोग मर गए और गांधी को पता चला विदाउटिंग ए सिंगल मिनट उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर लिया कर, नहीं हम आज से अपना यह सत्याग्रह समाप्त करते हैं असहयोग आंदोलन आज ही समाप्त करते हैं क्या हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी नाराज हो गई गांधी जी से कहा कि हमारी आजादी की ट्रेन बिल्कुल फुल स्पीड में चल रही थी आजादी मुहाने पर खड़ी है और आपने ब्रेक लगा दिया गांधी ने कहा आजादी मुझे पचास साल बाद और आगे मिले लेकिन अपने प्रिंसिपल के आधार पर आइडियोलॉजी के आधार पर हाउ मेरी पोलिटिकल लीडर्स प्रेजेंटली आर इन योर कंट्री हु फॉलो द हुन आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स टूडे दे आर इन कांग्रेस टुमारो इन भाजपा थर्ड एर इन बसपा एंड फिफ्थ समाजवादी पार्टी तो कोशिश नहीं की जाने की कोशिश नहीं की एक बड़ा चिंता का विषय और गांधी ने इसीलिए कहा स्टेट इस इट से स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द वायलेंस राज्य अपने आप में संगठित हिंसा का एक स्वरूप है यह गांधी ने कहा मैंने नहीं कहा क्योंकि राज्य अपनी सत्ता को बनाए चखने के लिए तमाम चाल चलता है कभी वो राशन फ्री देगा कभी कर्जा माफ कर देगा कभी मोबाइल फोन बांटेगा कभी वो साड़ी बांटेगा है ना कभी साइकिल बांटेगा सत्ता में बने रहने के लिए जो राज चलता है ये स्ट्रक्चरल फार्म ऑफ वायलेंस है हमें उससे बचने की जरूरत है अगर हम बचे होते तो गांधी का राम गांधी का स्वराज आज देश में कायम होता नहीं सोचा उसके बारे में लास्ट बट नॉट लिस्ट वेल्थ विदाउट वर्क रहित संपदा भामा शाह ने राणा प्रताप के दिल को पहचाना कि मेवाड़ को स्वतंत्र करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी राणा प्रताप दे रहे हैं जंगलों में घास की रोटियां परिवार खा रहा राजा का और अपने जीवन की पूरी कमाई अव्यक्त की स्वतंत्रता का सवाल था मेवाड़ की स्वतंत्रता का सवाल था उसके संरक्षण संवर्धन का सवाल था भामा शाह ने बड़े व्यवसायी ने अपने जीवन की पूरी कमाई उनके पैरों में रख दिया यस्टरडे देर वॉज ए वाइट पब्लिसिटी द न्यूज पेपर दैट मुकेश अंबानी हैज बिन डिक्लेयर द रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया यह चला है चैनल पर बिल गेट्स ने कहा मोर देन टू हंड्रेड पीपुल्स आर देयर इन इंडिया जो अरब के बिलियन डॉलर में है अगर उन लोगों ने ट्रस्टीशिप के गांधी को मान लिया होता तो हिंदुस्तान को आईएमएफ से वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की जरूरत नहीं होती हिंदुस्तान सोने की चिड़िया होता और हम अपनी तरक्की खुद कर लेते हमने नहीं माना इसको बिलगेड्स मुझे संदेश देता है देश के हमारे लोगों को अरे भाई हम तो कर रहे हैं क्लिंटन फाउंडेशन अमेरिका से आकर के हिंदुस्तान के गरीबों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए हजारों डॉलर लगा रहा है हजारों करोड़ डॉलर लगा रहा निवेश कर रहा है और हमारे देश के जो लोग हैं कभी 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 सोचा We are the teachers. हमने कभी सोचा आपने? हमने पूछा मेरे घर में जो बर्तन माजने वाली आती है हम प्रोफेसर हैं कभी पूछा तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते हैं अगर नहीं पढ़ते हैं तो फीस नहीं है क्या हम ऑफर करते हैं, हम नहीं कर पा रहे बी बिलोंग टू द अपर द सोसाइटी वी डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाउन ट्रोडेन अरे हमने प्रार्थनाएं की थी वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सुफल बना जावे हम दीन दुखी विकलों के बन जो है हटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे प्रार्थनाएं तो जैसे गायब ही हो गई हैं गायबी हो गई हैं दिस इज अज ऑफ गांधी वी आर नॉट सपोज टू ओनलीस्ट्रक्ट द नेशन Through the following the Gandhian words, Gandhian ideology, we have to give the message to the other world. आपको पता है सिर्फ तीन राष्ट्रों को जो भारत के मिला, मिला लिया जा अगल बगल हैं, भारत पाकिस्तान और चाइना जितना सैन्य रक्षा पर खर्च कर रहे हैं अगर मानवता की तरफ करते तो आधी दुनिया को ये हॉस्पिटल देते आधी दुनिया को सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलती आधी दुनिया से रोग समाप्त हो जाता इतनी ताकत है इतना पैसा हम रक्षा पर निवेश कर रहे हैं ऐसा नहीं है इफ अमेरिका इफ द पाकिस्तान ड्रॉप एटम बम एट दिल्ली और हवा उल्टी बह गई तो लाहौर साफ हो जाएगा बम तो डालेगा दिल्ली में लेकिन साफ क्या होगा पश्चिम की हवा चल गई तो लाहौर साफ और हम अगर डाल दें लाहौर और कराची में हवा इधर चल गई तो दिल्ली साफ ऐसा ऐसा हमने बम बनाया है एक बम बनाने की कीमत कई हजार डॉलर में है लेकिन उसको स्लीपिंग स्टेज में सुसुप्ता अवस्था में संरक्षित करने के लिए उसका दूना पैसा खर्च होता है हाउ मच मनी वी आर गोइंग टू स्पेंड डिड वी सॉल्व ऑल द प्रॉब बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द नेशन ये नहीं है पराक्रम ललकार युद्ध ये हिंसा का भाव है अहिंसा का भाव नहीं है युद्ध में महाभारत से बड़ा युद्ध तो नहीं हो सकता रामधीरज भाई राम सुधार भाई नहीं हो सकता लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा हे अर्जुन क्रोध हिंसा को पैदा करता है गांधी ने कहा हिंसा तीन प्रकार की है मानसिक हिंसा वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा पहले मानसिक हिंसा होती है जैसे हम दो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि क्लास में टॉप करने वाले हैं दोनों मुकाबले में हैं हमारे मन में आ जाए कि मेरा जो साथी है जो कंपटीटर है अगर उसका एलकस, उसका एग्जामिनेशन दिन वाले एक्सीडेंट हो जाता तो मैं टॉप कर जाता यह पकड़ लिया जाता नकल में फर्जी तरीके से बुखार इसको हो जाता बीमार हो जाता मेरा काम बन जाता ये क्या है ये हिंसा है हमारे मन में विचार आ रहा है इस तरह का ये अपने आप में मानसिक हिंसा सारे हिंसाओं के मूल में है इसलिए ईर्षा और द्वेष को सारे हिंसाओं के मूल आधार के रूप में माना गया और दूसरा जब ये मानसिक हिंसा बिल्कुल हम दबा नहीं पाते हैं तो वाचिक हिंसा में आती है हम तेज बोलते हैं समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं घर में चाय पिलाओ पत्नी से भी दिन बात नहीं कर प्लीज चाय पिला दो चाय पिलाओ अंदर से हिंसा है टीचर क्लास नहीं लेता अंदर पहुंचता ठीक से बैठो क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन अनुशासन ज्यादा दिखा रहे हैं हिंसा है ये क्योंकि तो अपनी ड्यूटी को हम डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं ये अलग अलग चीजें हैं फॉर्म ऑफ वायलेंस हैं और जब लास्ट में हम बर्बलाइज हो जाते हैं गाली पतर आते हैं और अंतिम के बाद जो लास्ट परिणित होती है फिजिकल थ्रेट अब हाथी चला देना बाकी है ठीक है ना ये तीनों फॉर्म ऑफ वायलेंस को गांधी कहते हैं एबसेंस ऑफ द थ्री काइंड ऑफ वायलेंस इज नॉन वायलेंस इन तीनों से मुक्ति का प्रयास मन में विकार न आए बाणी में हमारे नम्रता हो और विद्या ददाति विनियम क्या हमारा शास्त्र कहता है विनयशीलता तो विद्या से आती है जो विद्या के धनी होते हैं वो अहंकार और गरु नहीं बोलते उनकी विनयशीलता दिखाई पड़ जाती है दिस इज करेक्टर दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स तो ये बड़ा करने का सवाल है और लास्ट है जो मैंने बताया कि वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस ही दिया मैंने वेल्थ विदाउट बता दिया ये सब चीजें जो सातों पाप हैं ये हिंसा के स्वरूप हैं और इससे मुक्ति का प्रयास अहिंसा की तरफ अभिमुखीकरण है उधर मुड़ना है मैं कह रहा था गीता में भगवान श्री बिना क्रोध के युद्ध हो सकता है क्या मुझे बताया बिना क्रोध के युद्ध नहीं होगा लेकिन भगवान श्री श्री कृष्ण को क्या कहे युद्ध के मैदान में प्रेरित भी कर रहे हैं और श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं क्रोध हाथ भवत सम्मोहा सम्मोहात स्मृत विभ्रमा स्मृत भिंसात बुद्धिनाशो बुद्धिशात पड़श्यती हे अर्जुन क्रोध से सम्मोह की प्राप्ति होती है और सम्मोह से स्मृत विंस होता है जो रिटेनिंग पावर है वो कम हो जाती है मेमोरी हमारी कमजोर हो जाती है और रिटेनिंग पावर कम हो गई तो क्या हो गया बुद्धि खत्म हो गई क्योंकि वही तो रहता है ना हम रटते हैं पढ़ते हैं तब समझते हैं तो खत्म बुद्धि और अगर समाप्त तो हो गई तो मनुष्य जीते जी मर गया ये भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं किसको अर्जुन को क्रोध नहीं करना है क्रोध नहीं करना है ये हमारा दर्शन है हमें क्रोध नहीं करना चाहिए एक बड़ा सवाल है मित्रों मैं समय देख रहा हूं अपनी घड़ी का और आपके चेहरे को भी देख रहा हूं मुझे बहुत देर तक बहुत देर तक न चाह करके अपनी बात सुनाना भी हिंसा है तो वेरी सुन आई हैव टू माय डिलीवरेशंस विथ वन मुस्कुराते हुए आपसे एक बात कहते हुए काशी एक ऐसी जगह है जहां तमाम देश के पर्यटक आते हैं और कभी घाट पर जाइए आप तो जो नाव चलाता है जो नाव स्विमिंग कर, कराता है वो बहुत अंग्रेजी नहीं जानता है कम कम सीट सीट बोटिंग बोटिंग कम कम सीट सीट बोटिंग बोटिंग आदमी समझ जाता है इतने बहुत अंग्रेजी उसके लिए है कम्युनिकेशन के लिए तो एक मल्लाह ने चिल्लाया आवाज दिया कम कम सीट बोटिंग बोटिंग एक लंदन का भाषाविद वो बैठ गया पच्चीस रुपए दो सौ रुपए सौ नाव तय हो गई और एक अमेरिका वाला कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर अमेरिका से आया था वो भी बैठ गया तो नाव चली तो सब बताते रहे पूछते रहे थोड़े, थोड़े थोड़े बात करने की इच्छा हुई भाषाविद विद अंग्रेजी ने पूछा डू यू नो इंग्लिश नो लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा नहीं जानते यू डोंट नो इंग्लिश इन दी फर्स्ट सेंचुरी द ग्लोबलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस यू डोंट नो इंग्लिश यू हैव लास्ट वन थर्ड ऑफ लाइफ एक तिहाई जीवन बर्बाद कर दिया अंग्रेजी नहीं पढ़ा आपने यहां तिबतन ऑफ हायर स्टडीज में आकर के फिर क्या हुआ चुप हो गया वो आगे नाव बढ़ी तो इंजीनियर ने पूछा डू यू नो कंप्यूटर ऑपरेशन डू यू नो मोबाइल ऑपरेशन इंटरनेट नो लिटिल बिट यू हैव लास्ट टू थर्ड ऑफ लाइफ अंग्रेजी जानते ही नहीं थे और ये भी नहीं जानते आप क्या जानते हैं इंडिया, इंडिया के लोग आगे नाव बढ़ी तो हवा आई तो नाव हिलने लगी उसने कहा डू यू नो स्विमिंग कहा ना कहा आपका तो पूरा जाने वाला है <laughs> हमारे देश के महात्माओं ने हमारे देश के ऋषियों ने हमें अंग्रेजी न सिखाई हो हमारे देश के लोगों ने हमें टेक्निकल स्किल ज्ञान भले न दिया हो लेकिन हमारे देश के लोगों ने इस संसार में जीने की कला सिखाई है हम जीवन को कैसे आदर्श बना करके हम चल सकते हैं महात्मा बुद्ध ने चार आर सत्य दिया तो इस, इस सब दुखम दुख है दुख का कारण है दुख निरोध है दुख दूर होता है दिया तो दुख कैसे दूर होगा अष्टांगिक मार्ग दिया आप उससे पार जाएंगे आप जैन दर्शन में क्या लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को लोकतंत्र पश्चिम ने सिखाया है अरे जैन दर्शन का साधवाद लोकतंत्र का आधार है जैन दर्शन में जो साधवाद है वो आधार है वो कैसे आज उस लोकतंत्र को हम बर्बाद कर रहे हैं गांधी के देश में गांधी उस शादवाद को लोकतंत्र का आधार मानना चाहते हैं क्यों शादवाद का जो मूल है एक महावत हाथी लेकर जा रहा है और चार अंधे रोड पर खड़े हैं महावत चिल्ला रहा है हट जाओ भाई हट जाओ हाथी आ रही है अरे बाबा हाथी रोक दो बहुत दिनों से इच्छा थी हाथी देखने की बड़ा नाम सुना था अरे आंख नहीं क्या हाथी देखोगे नहीं नहीं हाथी देख लेंगे हम ईश्वर ने हमको दिया ताकत महावत ने हाथी रोक दिया का कैसे देखो कहीं छू कर देखेंगे जिसने पकड़ लिया हाथी के पूछ को कहा बड़ा नाम सुना था रस्सी की तरह है जिसने पैर पकड़ा उसने कहा खंभे की तरह है जो अंदर चला गया यही यही हाथी अच्छा छत है, तो है एकदम और कान पकड़ लिया तो कहा सूप की तरह है अब सब एकदम लड़ने लगे हाथी मैंने देखा राफेल विमान का दाम मैं जानता हूं ये मैं देखा हूं मैं सत्य बोल रहा हूं ठीक है ना ये मैंने देखा हाथी ये हाथी ये झगड़ा शुरू हो गया और मारपीट नौबत आ गई तो महावत ने समझाया भाई हाथी रस्सी भी है हाथी खंभा भी है हाथी छत भी है सत्य कुछ न कुछ सब में है यही शादवाद है इसलिए हमें हर व्यक्ति का हर दल का हर व्यक्ति का, का हर विचार का सम्मान करके सत्य के अनुसंधान में लगना चाहिए दिस इज द दृष्टि ऑफ गांधी विद दीज वर्ड्स आई सम अप माई डिलीवरेशन वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे बहुत ही अद्भुत रुचिकर ज्ञानवर्धक व्याख्यान हम सब लोग साक्षी बने इसके और प्रोफेसर द्विवेदी के पास तो एक अच्छे स्पीकर के जितने भी गुण होने चाहिए शायद उससे ज़्यादा हैं एक ऐसा जादुई जाल जिसको फैला दिया इस हाल में और सबको उस जादुई जाल से फांस करके रखा कहानियों के माध्यम से उद्धरणों के माध्यम से जितने सरल और सहज ढंग से यह व्याख्यान दिया निश्चित ही हम सबके लिए आज का दिन आज का यह क्षण आज का यह समय बहुत ही उपयोगी और सुखप्रद रहा है और एक आप बात बताऊं सर आपने साहित्य में यशपाल की अमिता को उद्धृत किया और एक अमिता के इस वक्तव्य के साथ उसमें महत्वपूर्ण यह है कि हमारे इस संस्थान के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में अमिता उपन्यास पाठ्यक्रम में है और उसे जब आपने उद्धृत किया यह होता है प्रोफेसर द्विवेदी सर को नहीं पता था कि यहाँ अमिता उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में है लेकिन यह केवल संयोग नहीं कहेंगे एक अच्छे व्याख्याता की वह पकड़ कहेंगे कि उस अमिता से आपने उद्धृत किया और बहुत ही अच्छे उद्धरण जो आपने दिया है वो आज का व्याख्यान अपने आप में पूर्ण है हम संस्थान की ओर से सबकी तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आज के इस व्याख्यान माला के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर आर के उपाध्याय जी से अनुरोध करते हैं कि आप अध्यक्षीय वक्तव्य दें डॉक्टर उपाध्याय जी अतिशा हाल में बैठे हुए मंच पे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राम प्रकाश द्विवेदी जी जिनका उद्बोधन आपने सुना इस सभागार में आचार्य वृंद हमारे कर्मचारी भाई प्रिय छात्र छात्राएं आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के का ये उपक्रम चल रहा है एक महात्मा गांधी की वर्ष जयंती हम मना रहे हैं और इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न आयोजन पूरे देश में मनाया जा रहा है आज महात्मा गांधी का एक पक्ष हमारे इस अतिश्य हाल में प्रोफेसर द्विवेदी जी ने एक रखा भारतीय संस्कृति जिस चीज़ के लिए जानी जाती है मित्रों वही देश सशक्त होता है जिसकी संस्कृति मजबूत होती है और वो राम की मर्यादा कृष्ण का उन्मुक्त भाव और शिव की असीम और अनंत जो दुखी प्राणी है जहाँ भी उन्होंने देखा और उनके साथ होलिए ये महात्मा गांधी जी की उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व में हम देखते हैं ये उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध या यूँ कह लीजिए उस समय तीन ऐसी विभूतियाँ हमारे देश में हुई जिसमें स्वामी विवेकानंद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और महात्मा गांधी उस कालखंड में उन्होंने अपने अपने तरीके से इस देश को और इस देश की युवा पीढ़ी को और उस समाज को आंदोलित करने का काम किया 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपना समय दिया जबकि एक वर्ष के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर गए थे लेकिन वहाँ मज़दूरों की और जो गिरमिटिया संस्कृति जिसको कि आप सभी जानते हैं कि वहाँ जो अंग्रेज़ सावंतवादी टाइप जो लोग थे वो यहाँ से जाने वाले मज़दूरों को किस तरीके से यातना देते थे और किस तरीके से वहाँ रखते थे उनके दुखों को देख करके उन्होंने अपना जो मुख्य कार्य था वो साइड लाइन हो गया और उनकी सेवा और उनके दिलो दिमाग में ये बात आई कि यदि हम इनकी सेवा नहीं करेंगे या इनका इनके दुख को दूर नहीं करेंगे या पूरे विश्व में या इवन उस समकालीन जो परिस्थितियां थी उसको किस रूप में उन्होंने देखा और सुना और पूरा शरीर या पूरा उनका जीवन उन लोगों के दुख दूर करने के लिए लगा दिया 21 वर्ष के बाद 2015 जनवरी में जब भारतवर्ष में आते हैं तो वो उसका जो सत्य का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया था उसका परीक्षण भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन आप नमक छोड़ो आंदोलन जो दांडी यात्रा के माध्यम से आप सभी जानते हैं दो उन्नीस में असहयोग आंदोलन और इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी की है ये मुख्य okay. वो इस तरह के नेता थे या इस तरह के वो समाज सुधारक थे वो सभी रूप में पत्रकार के रूप में भी उनकी एक है उनकी जो जीवन है या उनका जो दर्शन है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है हम सभी जानते हैं और सत्य और अहिंसा एक ऐसा उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया जो कि विदेशों में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इसको अपना करके अपनी बात को मनवाने करने का एक उन्होंने एक सलीका गांधी जी के माध्यम से बताए हुए जो सत्याग्रह का रास्ता था उन्होंने आज उसको करते हैं और आप देखते हैं कि हिंसा का कितना दुष्प्रभाव मिडिल देखा जा रहा है विश्व के जिस देश में हिंसा को इन लोगों ने बनाया वो कहाँ किस तरीके से जनमानस वहाँ का उस क्रूरता का शिकार हो रहा है और छोटे बच्चे बूढ़े और वहाँ की महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है आज महात्मा गांधी उतना ही प्रासंगिक हैं जितना कि वो उस समय में थे शायद विश्व के जो शीर्ष पे जो नेतागण हैं इस चीज़ को थोड़ा भी ध्यान दें तो जो स्पर्धा और जो इस तरह की जो आपने बताया कि एक एक हथियार बनाने में इतने करोड़ों और कितने अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं शायद मानवता की रक्षा के लिए यदि विश्व के ये नेता सोच लें और कुछ कार्य करें तो शायद पूरे विश्व के मानव का कितना कल्याण होगा लेकिन शायद उनके सत्ता हमेशा गांधी जी कहा करते थे कि सत्ता जो है हिंसा को उत्प्रेरित करती है और वो बार बार कहते थे कि अमीर उनको कहते थे जो अधिक धन को संग्रह कर लेते हैं उनको अमीर कहते थे और गरीब जिनके पास बहुत कम धन है जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अमीर शैतानियत पैदा करती है और गरीब हैवानियत पैदा करती है और दोनों के बीच में जो इंसानियत पैदा करे वो सर्वोदय की उनकी परिकल्पना थी उस विचारधारा को आगे लेकर के चलने वाले बिनोवा भावा बिनोवा भावे फिर आप देखें ये जयप्रकाश जी का भी एक जो आंदोलन हुआ संपूर्ण क्रांति का वो महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे ऐसे बहुत ऐसे उस समय कॉलिन के जो नेतागण थे उनके विचारों से प्रभावित होकर के उनके केवल आवाहन पर कितने जन ऐसे लोग थे जिन्होंने देश के लिए आज़ादी के लिए स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनके एक आवाहन पर उन्होंने छोड़ दिया था कैसा वो करिस्मेटिक उनका व्यक्तित्व रहा होगा आप सभी इमेजिन कर सकते हैं मित्रों आज भी हम जब सोचते हैं कि आखिर किसके लिए हिंसा की जा रही है वो सत्ता प्राप्त करके वो क्या बनेंगे और हमारा भारतवर्ष में ये भारतीय संस्कृति रही है कि यदि हम ऐसे व्यक्ति जो हिंसा के अनुयायी हैं या जो हिंसा के बल पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और उनकी यदि हत्या भी होती है तो वो हमारा धर्म के रूप में हम मानते रहें जैसे कंस की जो स्थिति आप देखते हैं रावण की स्थिति आप देख लें कि ऐसे लोग की यदि हत्या होती है तो हम लोग उसको ये मानते हैं उसको धर्म उसको स्वीकार करता है लेकिन कृष्ण और राम राम की जो मर्यादा है वो महात्मा गांधी के अंदर हमेशा वो अपने जीवन को मर्यादित तरीके से उन्होंने जीवन जिया कृष्ण की तरह वो उन्मुक्त अपनी बातों को कहने का साहस चाहे कितना ही वो विदेशी जो जिनके पास सारी सत्ताएं थीं और वो अकेले अपने बलबूते कोई साथ आए या ना आए लेकिन अपनी बात को कहने का उनके अंदर अजीब एक साहस था और उसी तरीके से शिव की तरह हर चीज को जितना भी विरोध कोई कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं आता था वो अपने विचारों और अपनी जो भी उनके चिंतन था वो उसके प्रति कितनी प्रतिबद्धता थी इस चीज़ को आप सोच सकते हैं वो वो असाधारण ही पुरुष ऐसा हो सकता है ऐसा एक मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उनकी चित्त इतनी शांत थी कि वारधा में उनका जो आश्रम था वो बैठे थे और उनके अनुयायी बैठे थे किनारे से एक शर्प जा रहा था सब लोग उद्वलित हो गए लेकिन उन्होंने उनके चेहरे पर और उनके शरीर में कहीं भी स्पंदन नहीं हुआ उन्होंने कहा कि आप शांत बैठें वो चला जाएगा इतना उनका चित्त शांत रहता था निश्चित रूप से वो एक योगी के रूप में थे एक महापुरुष थे और उनके जो विचार उनके जो खास करके अहिंसा और सत्य और सत्य के जो प्रयोग हैं वो कितना सफल हुए हैं ये सच है कि एक दूसरी भी विचारधारा थी जो उस समय गरम और नरम दल के नाम से लोग जानते हैं एक ऐसा अभी भी भारतवर्ष में एक ग्रुप विशेष इस बात को कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने उस समय आज़ाद हिंद फौज जो बनाई उसमें सत्तर हज़ार सेनाएँ थीं और छब्बीस हज़ार लोगों का जो द्वितीय विश्व युद्ध में और उसके बाद की जो स्थिति थी जो जिसमें जापान और जर्मनी की सेनाएं लड़ रही थीं और ये उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद अंग्रेजों से हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हो जाएगा और स्वतंत्रता मिल जाएगी लेकिन उसमें ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो हिंद ये आज़ाद हिंद फौज की जो निर्भीकता के साथ उन्होंने लड़ा तो एक पक्ष ये कहता है कि शायद हमारी आज़ादी और पहले मिल जाती विचारधाराओं की संघर्ष ये लड़ाई ये अनवरत चलता रहा है ये हमारा भारतीय संस्कृत शास्त्रार्थ को भी उतना ही महत्व देता है लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ या उस समय की जो एक पीढ़ी थी कि आप अपनी बात तो रख सकते हैं और रखना भी चाहिए लेकिन जहाँ तक विचारों की बात है वो महात्मा गांधी जी सबकी बात सुनते थे जो भी उस समय के समकालीन नेतृत्व करने वाले लोग थे लेकिन कभी कभी अपने उनके जो अहिंसा सत्य और जो इस तरह के मार्ग थे उसको उसके प्रति उनकी इतनी प्रतिबद्धता थी कि वो कभी विचलित नहीं होते थे अपने बातों से और अंततः वो चाहे नवाखाली का वो हुआ संघार हुआ हो चाहे बिहार में मुस्लिमों का रहा हो जहाँ जहाँ या आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि चंपारण का आंदोलन हो रहा हो वहाँ गए और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उस नेतृत्व का उन्होंने नेतृत्व किया और अपने जो सत्य का प्रयोग उनका था उस समकालीन जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उन्होंने उनको उन्होंने बाध्य किया कि किसानों के हित में भी आप फैसला लें लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग वो हमेशा ये सोचते हैं कि हर चीज़ को हम शक्ति से दबा देंगे लेकिन वो उनकी इतनी निर्भीकता थी कि जहाँ भी नेतृत्व कर रहे थे चाहे भले ही आप जेल में उनको डाल दें लेकिन उन्होंने अपने विचारों से अलग नहीं हुए और उस समय उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं ये ठीक था कि हमारा देश उस समय गुलाम था गरीबी थी तमाम परेशानियाँ थीं लेकिन स्वाभिमान के साथ कैसे जीना चाहिए और कैसे सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए हम जीवन जी भी सकते हैं ऐसा जो उनके मन में संकल्प था और इस तरह की विचारधारा को रखते हुए समाज को नेतृत्व करने का उन्होंने काम किया और आज भी उनके जो विचार हैं यदि उसका कुछ अंश भी जो हमारे शीर्ष नेतागण हैं यदि धारण कर लें तो हमारा देश का बहुत कल्याण होगा या विश्व का कल्याण होगा ऐसा हम सभी जानते हैं और जैसा कि हमारे आज प्रोफेसर द्विवेदी जी ने उनके एक पक्ष को बहुत अच्छी तरीके से आप सबके समक्ष रखा आप सभी लोग यहाँ आए और अपना आप लोगों ने इतना समय दिया आप सभी को साधुवाद धन्यवाद और आ, संचालन कर रहे हमारे डॉक्टर राम सुधार सिंह जी विषय की जो प्रस्तावना है और ख़ास करके प्रोफेसर देवराज सिंह जी ने उनके एक पक्ष को जो खास करके आर्थिक वो ये हमेशा चाहते थे कि हर राजनीति में भी और अर्थशास्त्र में भी सूचिता हो और जीवन के विभिन्न जो भी आयाम है हर विषयों पर भी हर विभागों में उनके अपने अपने विचार रहे और अपनी निर्भीकता के साथ उन विचारों को समाज के सामने रखा और आज भी उतना ही प्रासंगिक है इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उनके जो दिए हुए विचार हैं उनको ग्रहण करना होगा यदि विश्व को एक दिशा दिला दिलानी है देश को आगे बढ़ाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका सत्य और अहिंसा दोनों ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय महत्वपूर्ण था और भविष्य में भी होगा वो शाश्वत है और शाश्वत रहेगा इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आज संकल्प लेना चाहिए कि उनके जो भी विचार हैं हमें ए, हमें हमें इस चीज़ को महसूस करना होगा और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपने यहाँ सबको एकत्रित किया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर हम सभी आभारी हैं आपके इस अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए और एक महत्वपूर्ण बात आपने संकेतित किया कि गांधी को याद करते हुए यह हमारे संकल्प लेने का दिन है जिससे कि हम गांधी के सपनों को उनके विचारों का एक नया भारत हम बना सकें बहुत बहुत आभार सर और अंत में आप सभी देख रहे हैं बैनर पर कल छः तारीख का भी एक है प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी हमारे बीच में होंगे भारत अध्ययन केंद्र से और अंत में मैं आयोजन समिति की ओर से प्रोफेसर उमेश चंद सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता अध्यक्ष जी तथा आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करें प्रोफेसर उमेश चंद सिंह आभार ज्ञापन के क्रम में सर्वप्रथम इस सभागार में हम सब के बीच आत्मवत रूप से उपस्थित महात्मा गांधी जी के लिए दो पंक्तियों में अपनी बात कह करके अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं तेरा विराट वह रूप तेरा विराट वह रूप कल्पना पट पे नहीं समाता है तेरा विराट वह रूप कल्पना पट पे नहीं समाता है और जितना भी कुछ कहूं मगर शेष बहुत रह जाता है गांधी जी का साधारण से लेकर विराट व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि वह प्रारंभ में ही बहुत विराट व्यक्तित्व के स्वामी हो गए थे शायद हम में और आप में से ऐसे बहुतेरे लोग हैं जो प्रारंभ में गांधी जी से असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं लेकिन गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन था वो अत्यंत साधारण व्यक्ति का जीवन था लेकिन उन्होंने इसको छिपाने की कभी कोशिश नहीं किया अपनी आत्मकथा के माध्यम से हमारे समक्ष उस सच्चाई को रखने की कोशिश किया ताकि एक मानव के अंदर उन कमियों को जान करके किस तरह से सत्य का प्रयोग करके अपने जीवन में परिष्कार किया जा सकता है विकास किया जा सकता है और एक साधारण मानव से महामानव बना जा सकता है ये महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन के ऊपर दृष्टिपात करने से हमको ज्ञान होता है इसलिए वो वंदे हैं नमन के योग्य हैं इसके पश्चात संस्थान के श्रद्धे कुलपति जी और माननीय कुलसचिव जी के को इस क्रम में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना को उन्होंने एक व्याख्यान माला के रूप में और कई कार्यक्रमों के रूप में आ, मनाने का निश्चय किया आ, जिसके फलस्वरूप हम लोग आज यहाँ एकत्रित हैं इसके पश्चात आयोजन समिति के आ, आ, अध्यक्ष अपने अग्रज प्रोफेसर देवराज सिंह जी का आयोजन समिति के अपने अन्य सदस्य सदस्यों प्रोफेसर वांगचुक दोर्जे नेगी जी प्रोफेसर जम्पासमतेन जी और साथ में सभागार में उपस्थित समस्त विद्वत वृंद जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं आप सबका सबसे अधिक शायद अगर धन्यवाद किसी तरफ देने का मेरा मन कर रहा है तो प्रिय विद्यार्थियों का जिन्होंने इतनी तन्मयता के साथ तालियां इनके लिए मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां जिन्होंने इतने शांति के साथ इतने तन्मयता के साथ इस गंभीर और गरिमा विषय को सुनने का काम किया तो उन्हें निश्चित रूप से इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद की इस कड़ी में उपस्थित यदि कोई छूट गया हो तो उसे भी धन्यवाद और इसके साथ अपनी बारी को यही विराम देते हुए जय हिंद जय जगत